लगभग 6 साल पहले बीबीसी रेडियो लेस्टर की जर्नलिस्ट रुपल रजनी ने युगांडा में 70 के दशक में भारतीयों के साथ हुए व्यवहार पर यह संस्मरणात्मक लेख लिखा था। अफ्रीकी देश युगांडा का तानाशाह इदी अमीन याद है आपको? कैसी कैसी डरावनी कहानियां सुनी हैं हम सब ने उसके बारे में। वही इदी अमीन जिसने एशियाई मूल के लोगों को अपने देश से निकाल दिया था। इनमें से अधिकांश लोग भारतीय थे, लेकिन अब इदी अमीन का जमाना बीते भी एक जमाना बीत चुका है। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि क्या किया होगा लोगों ने निकाले जाने के बाद। वो एशियाई या भारतीय लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे? मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल उभरते थे। हालांकि मेरा परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था जिन्हें इदी अमीन ने निकाल दिया था। उम्मीदें और स्मृतियां। जब मैं एंडेबी एयरपोर्ट पर उतरी तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी यात्रा में मेरा किन चीजों से सामना होगा। मैं काकीरा जा रही थी जहां स्थित गन्ने के खेतों के बीच मेरा जन्म हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि मैं उन लोगों को मिलूंगी जिन्हें मेरे परिवार के वहां होने की याद है। हमारे परिवार को 1972 में इदी अमीन ने युगांडा से बाहर भेज दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी और मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं अपने इतिहास के बिंदुओं को जोड़ने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। युगांडा से देश निकाला। युगांडा के नेता इदी अमीन ने अगस्त 1971 में सभी एशियाई मूल के लोगों को देश छोड़ने को कहा था। आदेश था कि जो भी एशियाई युगांडा का नागरिक नहीं है वो 3 महीने के अंदर देश छोड़ दे। ऐसा लोगों की संख्या 60,000 थी। इनमें 30,000 के पास दोहरी युगांडा और ब्रिटेन नागरिकता थी और दोहरी नागरिकता वाले सभी लोग ब्रिटेन पहुंचे। सभी को ब्रिटेन में पनाह दी गई, लेकिन मैंने जो कुछ काकीरा में पाया उसने मेरी भावनाओं को निचोड़ कर रख दिया। मैं पहली बार उस दुकान पर गई जिसे मेरे पिता चलाते थे। हमारे जाने के बाद ये बंद हो गई थी और इसे करीब 6 साल पहले दोबारा खोला गया है। नहीं जाते तो क्या होता, ये बयान करना मुश्किल है कि मेरे दिल पर उस दुकान में घुसने के बाद क्या गुजरी। लगातार बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। मैं कल्पना कर रही थी कि मेरे पिता यहीं इस काउंटर पर बैठते होंगे। मुझे लगा कि दुकान की बनावट अब भी वैसी ही है जैसी 70 के दशक में रही होगी। आपके सुनकर ये बात बेवकूफाना लगेगी, लेकिन मुझे तो लगा कि मेरे पिता वहीं मौजूद हैं। तभी मेरे दिल में ये सवाल उठा, अगर हमें युगांडा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? और इसी सवाल ने और कई मुश्किल सवालों को जन्म दिया, जैसे कि हमें निकाला ही क्यों गया था और क्या हमारे साथ सही हुआ था। युगांडा की अर्थव्यवस्था। कुछ लोगों का तर्क रहा है कि उस समय के युगांडा में एशियाई लोगों और स्थानीय युगांडा वासियों के बीच बड़ी असमानताएं थीं। हमें ये तो मालूम ही है कि 1972 से पहले युगांडा की 90% अर्थव्यवस्था पर एशियाई लोगों का कब्जा था। तो क्या वे स्थानीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे या सिर्फ उनका शोषण कर रहे थे? युगांडावासी एशियाई मूल के लोगों से आम तौर पर कम कामयाब थे। अगर मैं यही रहती तो मुझे नहीं मालूम ये बात मुझे कैसे लगती। इदी अमीन ने 1972 में सभी एशियाई मूल के लोगों को युगांडा छोड़ने का आदेश दिया था। गन्ने की खेती। अपनी यात्रा के दौरान मैंने ये सवाल कई लोगों से किए। इन्हीं में से एक है माधवानी परिवार, जिन्होंने वापस लौटकर काकीरा में युगांडा की सबसे सफल गन्ने की खेती दोबारा शुरू की है, लेकिन मुझे इस विषय पर आम राय नहीं मिली। सच पूछिए तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। ब्रिटेन से युगांडा लौटे यास्मिन अली भाई ब्राउन जैसे लोगों का मत था कि एशियाई लोग युगांडा वासियों को अपने बराबर का नहीं समझते थे और वो नस्लवादी थे। लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि एशियाई लोगों के निकलने के बाद युगांडा की अर्थव्यवस्था का ध्वस्त होना उनके महत्व को दर्शाता है। सकारात्मक सोच रखते हैं। फिरोज और उनकी पत्नी उसी दुकान को चलाते हैं जिसे मेरे पिता छोड़कर चले गए थे। ये परिवार भारत से यहाँ आया है, वही सपने लेकर जिनके साथ मेरा परिवार यहाँ पहुंचा था। उनकी उम्मीदें और सपने भी एक जैसे ही हैं। जब मैंने फिरोज से अश्वेत समुदाय और एशियाई लोगों के बीच संबंधों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सब बढ़िया है। फिरोज और उनकी पत्नी अपने नए घर के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। उन्हें अपना लाइफस्टाइल पसंद है और उन्हें यहाँ के लोग और मौसम भी भा रहा है। मैंने यही सवाल उन एशियाई लोगों से भी जिन्हें 70 के दशक में देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और जो अब वापस लौट आए हैं। इदी अमीन। 70 के दशक में जिजा के जिस गेस्ट हाउस में हम रह रहे थे उसे वापस लौट कर आए 70 के दशक के निर्वासित परिवार का एक व्यक्ति चला रहा था। सुरजीत भार्ज कहते हैं कि मीठी यादों ने उनके वापस लौटने के फैसले को प्रभावित किया। साथ ही वे ब्रिटेन में अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे और एक नई शुरुआत करना चाहते थे।
तो क्या वे स्थानीय लोगों को अपने बराबर मानते हैं? झट से जवाब आया, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि वो अपने कर्मचारियों से लोगों के साथ बिना रंग की परवाह किए बराबरी का व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। युगांडा में एशियाई लोगों के प्रति ये शिकायत रही है कि वो इस देश के लिए कुछ नहीं करते। बराबरी का सुलूक, तो क्या सुरजीत भार युगांडा के लिए कुछ करते हैं? उनका जवाब है कि वो काफी कुछ करते हैं। उनकी पत्नी एक अनाथालय चलाती है जहां युगांडा के लावारिस बच्चों को पनाह दी जाती है। उनका कहना है कि सीधे भारत से आने वाले नए लोगों में युगांडा और यहां की बाशिंदों के प्रति अच्छी समझ है और वो उनके साथ बराबरी का सलूक भी करते हैं। लेकिन क्या अब युगांडा ही उनका घर बन गया है? वो कहते हैं, स्थायी घर नहीं। ये डर हमेशा लगा रहता है कि जो कुछ 1972 में हुआ वो कहीं दोबारा ना हो जाए।